हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी। जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑल इन वन बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7 मैं आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूं, और जो कि आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा बैंकिंग के, जैसे कि SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, SBI के साथ इसके बाद मैं बात करता हूँ IBPS क्लर्क रहे, IBPS PO रहे, IBPS RRB क्लर्क हो, IBPS RRB PO हो, एज इट इज़ बाकी लाइफ इंश्योरेंस में जितने भी हमारे LIC हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इस टाइप से हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स रहते हैं बैंकिंग का, ऑल इन वन बैंकिंग अवेयरनेस सेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो SSC तथा रेलवे की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो दिस वन इज़ अ ऑल इन वन सीरीज़, ये आपको याद रखना है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है। पार्ट 7 से पहले के पार्ट देखने के लिए आप जय स्टडी यूट्यूब चैनल को क्लिक करें और वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप इसके पहले पार्ट भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक भी देख सकते हैं। 7वां मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि भारत के डाकघर निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं देते। ऑप्शन नंबर 1 बचत बैंक खाता, ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा म्यूचुअल फंडों का लेन देन, ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया गया है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर 4 जीवन बीमा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के डाकघर की बात कर रहा है और कह रहा है कि सुविधा नहीं प्रदान करते, तो वह वैल्यू हो जाएगी आपका मुद्रा म्यूचुअल फंडों का लेन देन। ये हमारे भारतीय डाकघर प्रदान नहीं करते, बाकी बचत बैंक खाता देते हैं, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रोवाइड करते हैं, जीवन बीमा सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रांजेक्शन ऑफ रिटेल म्यूचुअल फंड्स, दिस इज़ अ नॉट, ये चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करते, अर्थात डू नॉट प्रोवाइड इंडियन पोस्ट ऑफिस। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर से लाभान्वित होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है पेंशन भोगी, नंबर 2 देनदार, ऑप्शन नंबर 3 है सरकार पेंशनर, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है बचत बैंक खाता धारक, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक मुद्रास्फीति की दर से जो लाभान्वित होते हैं वो आप याद रखिएगा डेबिटर, अर्थात जिसे हम कहते हैं देनदार होता है। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न आपके लिए कुछ निम्न प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश की वित्तीय स्थिति का सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 2 क्रय शक्ति क्षमता, ऑप्शन नंबर 3 एक वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर 4 मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो देश की जो वित्तीय स्थिति का सूचक नहीं है वो आपको याद रखना है, क्रय शक्ति क्षमता ये सूचक नहीं है, बाकी सकल घरेलू उत्पाद है, एक वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी और मानव विकास सूचकांक भी। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न, किस संगठन या फिर एजेंसी का प्रमुख कार्य देश में मुद्रा स्फीति को कम करना और नियंत्रित करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 देश का केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर 2 देश का स्टॉक बाजार, ऑप्शन नंबर 3 देश का योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 4 सेबी और ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो आप याद रखिएगा देश का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो होता है वह आपका ऑर्गेनाइज एक एजेंसीज होती है जो प्लेस करती है अ मेजर एंड क्रशियल रोल ऑफ टू मॉडरेट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री या सॉरी इन अ कंट्री, किसी भी देश में मुद्रास्फीति को कम करना और नियंत्रित करने का कार्य देश के केंद्रीय बैंक का होता है। वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न वस्तुओं को के खुले बाजार मूल्य पर अप्रत्यक्ष जाँच डालना, ऑप्शन नंबर 2 समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 3 किसान को उत्पादों का प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्थात समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। ऑल इन वन बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट 7 में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को और लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय स्टडी यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।